दोस्तों देखिए, करेले को मैंने उबाल दिया है, उबल रहा है अभी। ये देखिए अभी उबल रहा है। ये उबल जाए तब तक हम उसको उसमें भरने के लिए मसाला जो हमको लेना है वो आप देख लीजिए क्या क्या है। प्याज एक छोटी मीडियम साइज की प्याज है। मर्चा, हरा मर्चा जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, आप उन्हें हिसाब से कम डाल दीजिएगा, लेकिन ये मर्चा में तिताई नहीं है इस नाते हमने ज़्यादा डाल दिया है। ये काली मिर्च है और ये है सेला नमक, जिसे लाहौरी नमक भी कहते हैं। दोस्तों बीपी के लोगों को, जिसे बीपी की कोई शिकायत है, उन्हें तो सादा नमक नहीं खाना चाहिए, यही लाहौरी नमक खाना चाहिए। भले महंगा है, 100 रुपये केजी का ही नमक है, टाटा कंपनी भी बनाती है वो, उसका आप प्रयोग करें वो शुद्ध होता है। ये आप लौंग दो पीस है, ये छोटी इलायची आप देख रहे हैं, छोटी इलायची है। ये नमक मैं बता ही चुका हूँ, ये दालचीनी का पाउडर है, ये आपका जायफल है, ये हींग है, ये धनिया पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ये जो है लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, गरम मसाला है, ये आम, कच्चा आम था जो पक गया था, थोड़ा पक गया था, ये खट्टा के लिए मैंने इसको आम की कली डाल दी है काट करके। अब इस मसाले को मैं इस मिक्सर में डाल करके पीस पाउडर बना लूँगा ताकि करेले में भर सकूँ। इसको भरने के लिए फिर आगे का प्रोसेस जो होगा मैं वीडियो के माध्यम से मिलूँगा।